तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैं इंस्टाग्राम बिफोर एंड आफ्टर वाला एडिटिंग का जो रील बनाता हूँ वो कैसे बनाता हूँ, जूम आउट वाला। और काफ़ी भाइयों का कॉल भी आया था कि भाई वो चीज़ बताओ। बहुत सारा कॉल आया था, कमेंट भी आ रहा है कि मैं रील इंस्टाग्राम का कैसे बनाता हूँ, उसका ट्यूटोरियल लाऊँ। तो मैं यार बिना देर किए आप लोगों के सामने अपना ट्यूटोरियल ला दिया हूँ, अपना राज खोल दिया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल आराम से बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर जो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए तो मेरे से भी खतरनाक आप लोग रील इंस्टाग्राम एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिएगा और एक बार आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कौन से रील की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस टाइप से जूम हो रहा है और काफ़ी सारा जो भी रील मैं अपलोड करता हूँ काफ़ी सारा कमेंट आता है कि ये इसका ट्यूटोरियल लाऊँ। तो आज आप लोगों के सामने है ट्यूटोरियल। वीडियो को शुरू से लेकर आज तक देखते रहिए, काफ़ी कमाल का ट्रिक बताया हूँ एंड जो यूज किया हूँ अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, ठीक है गाइस। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नहीं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, हर वीडियो लाता हूँ, रोज़ वीडियो लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है गाइस, तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक, ठीक है। और मैं किस ऐप से एडिट करता हूँ बिल्कुल आराम से और अच्छे तरीके से समझा के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये रहा VN ऐप, तो VN ऐप को ओपन कर देंगे, ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा सारा कुछ। तो ये रहा प्लस का आइकन, ठीक है ना। प्लस के आइकन पर नीचे की तरफ क्लिक कर देना है और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आप लोगों को बताऊँगा कि फुल HD में रील कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो होने वाला है और वीडियो छोटा है तो भाई लोग प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है, तभी हार्ड एडिटिंग कर पाएंगे रील को, ठीक है ना, और वायरल कर पाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते ही फोटो यहाँ पे देखिए वीडियो का सेक्शन आ गया, एक ये रहा फोटो वाला, ठीक है। तो फोटो के अंदर आ जाना है और अपना बिफोर एंड आफ्टर वाला रील मतलब जो है फोटो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो कोई भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोग कैसे क्या करना है। तो ये वाला देख लीजिए, ये दोनों फोटो को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसी को हम लोग बनाएंगे, तो इसको और इसको बिफोर देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग बता रहा हूँ, जो बिफोर होगा यानी नॉर्मल पिक होगा वो 1 में रहेगा और जो एडिट वाला होगा वो 2 में रहेगा, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने से देख सकते हैं ये हमारा आ गया। और लास्ट में आएंगे तो ये इनपुट टाइटल लिखा हुआ, इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, बड़ा कर दिए। अब यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये रहा म्यूजिक का ऑप्शन, ठीक है ना, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा इफ़ेक्ट पे। इफ़ेक्ट पे क्लिक करते ही जो हम इंस्टाग्राम से रील मतलब म्यूजिक ट्रेंडिंग म्यूजिक डाउनलोड किए होते हैं वो वीडियो में रहता है, तो उसको कैसे ऑडियो करेंगे और कैसे इसमें ऐड करेंगे बताऊँगा एक क्लिक में। तो यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन शो होगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करते यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट वीडियो फ्रॉम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक करते ही जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया होगा रील वो म्यूज़िक यहाँ पे ला सकते हैं, वीडियो को भी ऑडियो बना सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला जो डाउनलोड किया उसको मैं ला दे रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पे कुछ इस टाइप से शो हो जाएगा आइकन और यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला फर्स्ट में है उसी को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, तो यहाँ पर चूज़ कर देंगे, ठीक है। तो हमारा म्यूज़िक ऐड हो गया, तो देख सकते हैं। अब क्या करना है गाइज, यहाँ पे देखना है कि हमारा बीट कहाँ पे हो जा रहा है, तो बीट पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बीट आ रहा है तो यहीं पे मैं रोक दिया हूँ। इसको क्या करूँगा, स्लिप्ट पे क्लिक करके और इसको बीच वाला पार्ट जो है डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेंज होगा कैसे, बीट पे बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इतना करके ये पीछे वाला भी है इसको जहाँ तक म्यूजिक है वहाँ तक बड़ा कर देना है, ठीक है। ध्यान से मैं आप लोग को आराम से बता रहा हूँ कि आप लोग समझ पाएँ। और यहाँ पे मैं जूम आउट वगैरह कैसे करता हूँ सारा कुछ बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और यहाँ पे बीट देखिए, यहाँ पे बीट कैसे लाएंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए FX लिखा हुआ, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये वाला इफेक्ट लगा देता हूँ, तो इसको मैं फर्स्ट में रखता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके हार्ड लगेगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं जो लिखता हूँ प्लीज़ वेट, वो कैसे लगाना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आता है और हिलता रहता है प्लीज़ वेट वाला, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे मतलब क्लिक करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये रहा टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है ना,
इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे टैक्स पे क्लिक कर देना है फर्स्ट में, और यहाँ पे सर्च क्या करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से टैक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये ब्लॉग लिखा हुआ ना ब्लू कलर वाला, इस पर आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट, वेट लिख देते हैं एंड राइट के आइकन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, इसको छोटा करेंगे और ऊपर की तरफ रख देते हैं, ठीक है, और इसको मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पे क्लिक रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस पे क्लिक रहना चाहिए, और ये रहा मोशन का ऑप्शन, ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए मोशन, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देना है और ये देखिए इन मतलब आ रहा है, मतलब ठीक है, तो ऊपर से इसको गिराएंगे नीचे की तरफ आएगा, और आउट कैसे करना है, ये रहा राउंड वाला, ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं, और जो हिलता रहेगा ये रहा लूप एनिमेशन, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना है, और मैं इसको रखता हूँ तो इसी को रख देता हूँ, ये रहा ध्यान से देखिएगा, इस पर क्लिक कर देना है, तो ये देखिए नीचे से ऊपर से आके कैसे हिल रहा है, तो देख सकते हैं, इसको क्या करना है, यहाँ पे एक और कट लगाएंगे, ठीक है, एक और कट लगा के यहाँ पे वाइट लाइट लगा देंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे जूम कर देंगे, यहाँ पे देखिए क्या करना है, एक और बीट ढूंढना है, यहाँ पे बीट मिल रहा है एक और, तो यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है, और ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ना हमारा, नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्रॉप ये रहा, ठीक है ना गाइस, इस पर क्लिक कर देना है और इसको जूम कर देना है इतना, अब देखिए कितना मस्त बीट बैठेगा, और यहाँ पर क्या करना है, बिफोर में एफएक्स में आ जाना है और यहाँ पे वाइट लाइट लगा देना है, देखिएगा आप, और यहाँ पे क्या एक और इफेक्ट लगा देते हैं कट करके, नहीं तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे कौन सा लगाना है गाइस आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रहा, ठीक है, नहीं तो कोई भी लगा सकते हैं, इसकी को लगाते हैं छोटा करके, अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस, और मैं जूम आउट कैसे करता हूँ वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है, देखते रहिएगा ध्यान से। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट है ना फर्स्ट वाला, इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे की फ्रेम लिखा है, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना है एक, और थोड़ा सा इसको स्क्रोल कर देना है, बढ़ा देना है और फिर से इस पर टैप कर देना है, ठीक है, अब जितना जूम चाहिए उतना कर देते हैं, इतना कर देना है, फिर से एक और इस पर क्या करना है, की फ्रेम पर क्लिक करके प्लस का आइकन ला देना है और इसको साइड में नीचे की तरफ कर देना है, नीचे का लुक दिखाएगा, इतना पे करने के बाद, ठीक है, एंड फिर से एक और की फ्रेम पे क्लिक कर देना है और जूम आउट कर देना है पूरा, और इसको जूम आउट कर देना है, ठीक है गाइस, इसी टाइप से आप लोग आराम से कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक और की फ्रेम पे क्लिक करते हैं और ये इतना पे रुका हुआ है, और इसको जूम करने के लिए एक पार्ट यहाँ पे जूम करना है, तो फिर से की फ्रेम पे क्लिक करके जूम कर देंगे, और इसको फिर से आउट करने के लिए यहाँ पे की फ्रेम पे क्लिक करेंगे और डाउन हो जाएगा, ठीक है, जितना चाहिए उतना जूम कर सकते हैं आप लोग। अब मैं एक बार स्टार्ट करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं किस टाइप से जूम हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है बीट पीछे रह जा रहा है, तो इसको कम कर देते हैं, और यहाँ पर भी उसी टाइप से करना है, एक बार और बता दे रहा हूँ आप लोग को, इस पर क्लिक करना है की फ्रेम, ठीक है, ये रोक दिया उसी जगह पे, ठीक है, और इसके बगल में एक और प्लस आइकन कर देंगे, इतना जूम कर देंगे, फिर से स्लाइड करेंगे और एक और इसको जूम आउट कर देंगे, और फिर से एक और लगाएंगे की फ्रेम और इसको साइड में ले जाएंगे फेस के पास, ठीक है, और एक और की फ्रेम लगाएंगे और इसको जूम आउट कर देंगे, इतना पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, पूरा इसी टाइप से आप लोग कीजिएगा बिल्कुल आराम से, ठीक है, इजीली तरीके से हो जाएगा, आप लोग करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल इजी है। अब देख लीजिए मैं चला के दिखा दे रहा हूँ शुरू से लास्ट तक, प्यार किया,
देख सकते हैं किस टाइप से जूम हुआ गाइस। आई होप कि आप लोगों को सारा स्टेप समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं अगला वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कैसे आप लोग क्या करना है। और नहीं तो यार इंस्टाग्राम पे मुझे जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मेरा नंबर मिलेगा, मुझे कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, कैसे क्या करना है। और बिल्कुल आराम से देखिए, एक बार समझ नहीं आ रहा है दो बार वीडियो देखिए, वीडियो छोटा है आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है गाइस। तो यार मेरे लिए भी कुछ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट करते रहिए गाइस। और तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।